नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। नी रिप्लेसमेंट को लेकर अब मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें नी पुरानी नी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की नई टेक्नोलॉजी आई है। तो आइए हम आज बात करते हैं शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली के डॉक्टर गगनदीप से, जो कि ट्राई सिटी में पहली बार रोबोटिक टेक्नोलॉजी लेके आए नी रिप्लेसमेंट की। तो डॉक्टर साहब, ये क्या है, कैसे काम करेगा? तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट जो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट है, उसके बारे में आई थिंक पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव हर किसी को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। और मतलब ज़रूरी है कि जब पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इतनी ख़राब हो जाती है, तो पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पर जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है, जो हमने ट्राई सिटी में पहली बार लॉन्च किया है, इसका ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट के ऊपर क्या बेनिफिट है, ये मैं बताऊँगा आपको। जो रोबोट है, बेसिकली हम पेशेंट का जो हड्डी है, जब हम जो ऑपरेट करते हैं, तो उसकी हड्डी कितनी घिसी हुई है, कितने मिलीमीटर का उसमें हमने बोन कट लेना है, कितने मिलीमीटर का इम्प्लांट डलना है और कौन सी पोजीशन में डलना है, ये आज से पहले ट्रेडिशनल सर्जरी में सिर्फ सर्जन डिसाइड करता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपने स्किल के साथ। पर अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम वो डेटा कंप्यूटर में फिट करते हैं, जो रोबोट है, रोबोट हमें बताता है कि इतने मिलीमीटर में पेशेंट का घुटना आराम से 120-30 डिग्री तक मुड़ता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो 120-30 डिग्री की मूवमेंट जो हमें चौकड़ी मारने के लिए या पैरों के बल बैठने के लिए चाहिए होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट के ऊपर है। और डेफिनेटली रिकवरी बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट चलने लगता है और 48 घंटे बाद पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और 72 घंटे बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली रिजल्ट्स आर ऑलवेज बेटर इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ट्रेडिशनल जो सर्जरी है, उसमें तो पेन बहुत ज़्यादा होती थी, उसको जो पेशेंट था उसको एक डेढ़ महीने तक पेन रहती थी। इसमें ऐसा कुछ क्या है? देखो, पेन, हम पेन को पेनलेस नहीं कर सकते, पेन को डेफिनेटली मिनिमाइज़ किया जा सकता है। वो इस तरह से है कि जो रोबोटिक है वो सिर्फ आपके जो कट्स हैं, मैनुअल सर्जरी में सर्जन खुद कट लेता है, तो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, आसपास की जो मसल्स हैं, उन पे भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए पेशेंट को बाद में पेन और स्टिफनेस होने के चांसेस रहते हैं। बट रोबोटिक में जितना मिलीमीटर, इवन 0.1 मिलीमीटर का जो कट है, वो भी हम बिल्कुल एक्यूरेसी से ले सकते हैं। तो इसीलिए जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो इसमें जो ट्रेडिशनल है, उसमें तो पेशेंट को चलाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, तो इसमें बहुत जल्दी रिकवरी है क्या? वो इसीलिए रिकवरी है, क्यों? क्योंकि हमें इवन सर्जरी से पहले ही पता चल गया है कंप्यूटर के माध्यम से कि हमने कितने मिलीमीटर की हड्डी ख़राब है, कितने मिलीमीटर हमने कट लेना है। इवन सर्जरी शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले हमें पता है कि इसमें इतने मिलीमीटर का हमने कट लेना है और इतने ही मिलीमीटर का इम्प्लांट करना है, जो कि ट्रेडिशनल सर्जरी में उसका घुटना खोलने के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए जो रिकवरी के चांसेस डेफिनेटली बेटर हैं, और इसलिए हम पेशेंट को 2 से 3 घंटे बाद चलाने में हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा, आजकल एक लोगों में काफ़ी सोच है कि जो हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं देसी घी के बजाय, तो इसकी वजह से ये जो नी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ है। रिफाइंड ऑयल या कोई भी घी किसी तरह का, चाहे आप प्योर गांव का देसी घी खाओ, उनका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये जो बीमारी है प्योरली एजिंग के कारण है, बढ़ती हुई उम्र के कारण होती है। किसी पेशेंट को 50 साल में भी अफेक्ट करती है, किसी को 80 साल में जाके। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ईटिंग हैबिट्स। अगर रेशो देखी जाए नॉर्मल इंसान में, मतलब पूरे उसमें देखा जाए, तो कितने परसेंट रेशो को इस ये प्रॉब्लम आ सकती हैं? देखो, डे बाय डे ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में जब थे पीपल, जो है सारी चीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी, हर चीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी के करने के कारण वो उनके जॉइंट्स एक्टिव रहते थे। बट आजकल जो है लाइफ बहुत सेडेंटरी हो गई है, हर चीज़ मैकेनिकल हो गई है, तो डे बाय डे जो है प्रॉब्लम बढ़ रही है और फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स। अब उसके रीज़न्स क्या हैं वो एग्जैक्टली अभी तक भी नहीं पता, बट डेफिनेटली जेनेटिक रीज़न्स हैं जो फीमेल्स मेल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा अफेक्टेड होते। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि अगर आपने अपनी नीज को सेट रखना है तो प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए और जितना ज़्यादा हो अपने शरीर को मेहनत में लगा जाए? बिल्कुल सर, अगर हमने नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो सबसे पहले अपना बॉडी वेट कंट्रोल में रखना चाहिए, जॉइंट्स को हमने एक्टिव रखना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं करना और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या योगा करते रहना चाहिए ताकि जॉइंट्स की मूवमेंट बनी रहे।
अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल सर्जरी से रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा कॉस्टली है? बिल्कुल कॉस्टली है सर, और जो कॉस्ट है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की, प्रिसीजन की और रिजल्ट्स की कॉस्ट है। अदरवाइज़ जो इम्प्लांट है वो इम्प्लांट सेम यूज़ होता है जिसकी 20 से 25 साल लाइफ होती है, और जो नॉर्मल सर्जरी है उसका जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 3.5 से 3,60,000 रुपये कॉस्ट है, और जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है उसकी कॉस्ट रफली 1,00,000 रुपये ज़्यादा है दोनों घुटनों की मिला के। तो ये थे डॉक्टर गगनदीप गुप्ता शेल्बी हॉस्पिटल से, जो कि ट्राई सिटी में पहली बार रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। मैं करमजीत सिंह, अर्थ प्रकाश, चंडीगढ़ के लिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।